हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वॉशिंग मशीन वाला एपिसोड काफी फनी और इंटरेस्टिंग चल रहा है। वॉशिंग मशीन के ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने पर बबीता और अय्यर को ये लग रहा है कि उनकी वॉशिंग मशीन में शायद ही कोई भूत घुस गया है। सिर्फ अय्यर, बबीता और गोकुल धाम के लोगों ने नहीं बल्कि तारक मेहता के सभी फैंस को यही लग रहा है कि उसमें या तो कोई भूत घुसा है या फिर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है जिससे कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वाइब्रेट कर रही है। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं, गाइस उस वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भूत नहीं है। जहां तक एपिसोड को देखकर समझ में आ रहा है वो ये है कि डीपी वॉशिंग मशीन कंपनी ने एक नया फीचर अपनी वॉशिंग मशीन में लॉन्च किया है। ये वॉशिंग मशीन बाकी सभी वॉशिंग मशीन से काफी अलग है। हो सकता है कि इस वॉशिंग मशीन के कुछ फीचर्स अभी तक बागा को समझ में नहीं आए हैं और वो उन्हें बबीता को ठीक तरह से समझा नहीं पाया था, इसलिए वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करते समय बबीता ने कोई ऐसा वॉशिंग मशीन का फीचर छेड़ दिया जिससे कि वो ऑटोमेटिक नाइट में ऑन ऑफ होती है, अपने आप ही वाइब्रेट करने लगती है। वही हो सकता है कि इसमें ऐसी कोई ना कोई टेक्निकली प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात ये सामने आती है, ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक टाइमर पे काम करती है, यानी कि इसमें एक बार टाइम सेट कर दिया और वो ऑटोमेटिक ही कपड़े धोने के लिए स्टार्ट हो जाती है। और बागा ने कोई टाइमर सेट कर दिया जिसमें कि वो मशीन AM की जगह उसने PM पर सेट कर दी हो, इसलिए वो नाइट में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रही है, यानी कि डे की जगह बागा ने नाइट का टाइम सेट कर दिया हो। सो गाइस, वॉशिंग मशीन के ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने का ये भी एक रीजन हो सकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, ये रीजन हो सकते हैं या नहीं? आप अपने कमेंट्स और व्यूज अपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी